मैं नहीं मानती शादी होती के चला था ये माला। हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और आज की वीडियो में मुझे इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने दिए हैं कुछ खतरनाक डेयर। बस अब देखना ये है कि मैं उनके दिए हुए डेयर कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस हमारा जो सबसे पहला डेयर है वो हमें दिया प्रगति वर्मा ने। तो देखते हैं मैम ने हमें क्या भेजा है। तो आपका डेयर ये है कि आपको पब्लिक में जाना है एंड फुल फेस मेकअप करना है इन्फ्लुएंसर्स की तरह, मतलब पूरा दिखा के, और फिर जाके सबसे रिएक्शन लेना है कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है एंड यही सब करना है। यार वैसे तो मैं मेकअप इतना नहीं करती हूँ, चल छुट्टी, बट अब प्रगति ने बोला है तो करना तो पड़ेगा। पोस्टर के जंगल में प्रगति वर्मा, जो तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ये डेयर मैं याद रखूंगी। तो गाइस मेरा मेकअप जो है वो डन हो चुका है, बट अभी प्रगति वर्मा के अनुसार मुझे जाके पूछना भी है कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। वैसे कमेंट करके तुम लोग बता देना ये मेकअप कैसा हुआ है। तो अभी चलते हैं किसी से पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत देर से देख रहे हैं। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। सुंदर कितनी लग रही है? सही सुंदर लग रही है, सही सुंदर लग रही है, अच्छी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मेरा मेकअप कैसा लगा? तारीफ कर दो थोड़ी सी यार। तारीफ मोटी कर दो, सच्ची का तो कर दो। अच्छा ठीक है, इनसे हरी झंडी मिल गया। अभी तुम्हें कमेंट करके बताना मेरा मेकअप सच में कैसा लग रहा है। तो गाइज अगला जो डेयर है वो मुझे मिला है यूट्यूब के अंबानी की तरफ से, नन अदर देन फुकरा इंसान। तो देखते हैं इन्होंने मुझे क्या डेयर दिया है। ओके निशु, तो आपका डेयर ये है, मतलब आपने मेरे से डेयर लिया तो महंगा तो पड़ेगा ही डेयर। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कैमरामैन को एक नया फोन गिफ्ट करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कर लेना, करना ही पड़ेगा। मेरे तो एल लग गए। फोन तो बढ़िया है पर रो दिला देती, मतलब इस इंसान में जरा सी भी शर्म नहीं है। एक किल्ली तो मैंने अपनी निकाल ही दी है, एक काम कर दूसरी भी निकाल दे। मार क्यों नहीं देता मुझे जान से? भाई मेरी बात सुनो फुकरा इंसान जी, हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन है, हमारे पास नहीं है इतना पैसा तुम्हारे जितना, हम हैं गरीब, हमें ना हमारे हिसाब के डेयर दिया करो। ठीक है, माफ़ कर दो मुझे, बहुत महंगा पड़ा है आपका ये डेयर। मुझे मजा आ गया भाई, सही चल रहा है मेरे पैसों का फोन। फोन तो ठीक है पर इतनी बढ़िया जैकेट कहाँ से ली? अभी मैंने आज लाइफस्टाइल से तो ली थी। बहुत महंगी पड़ी होगी। पागल है क्या, इस पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। कैसे? मैं मैजिक पिन ऐप यूज करती हूँ और मैजिक पिन है इंडिया का नंबर 1 सेविंग ऐप। इस पे तो अपने बिल्स अपलोड करके मैजिक पिन पॉइंट कलेक्ट कर सकता है और 1 मैजिक पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपी। और तो अपने पॉइंट्स यूज कर सकता है टू गेट ऑफलाइन ऑनलाइन डील एंड मेजर डिस्काउंट फॉर इंडिया बिगेस्ट ब्रांड अक्रॉस फूड, स्पा, ब्यूटी, फैशन, फिटनेस एंड मेनी मोर। अरे दी पहले क्यों नहीं बताया? मैंने इतने सारे बिल्स वैसे ही वेस्ट कर दिए। अभी बताया ना, चल डाउनलोड कर। एंड गाइस आप लोग भी जाके डाउनलोड करो असली सेविंग ऐप मैजिक पिन को, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूजर को ऐप डाउनलोड करने में मिलेंगे 200 मैजिक पॉइंट्स। और मेरा रेफरेंस कोड निशु तिवारी जरूर यूज करना, फिर आपको 200 बोनस मैजिक पॉइंट्स और भी मिलेंगे। मतलब ऐप डाउनलोड करते ही आपको मिल जाएंगे 400 मैजिक पॉइंट्स। डाउनलोड करा? कर लिया मैंने तो। कर लिया? आप भी डाउनलोड करो अभी। तो नेक्स्ट डेयर मुझे मिला है पारस ठकराल से। तो देखते हैं कि इसने मुझे क्या बॉम्ब फेंक के मारा है। मैगी के अंदर कोक मिला के फिर मैगी खानी, तरीके दिखाओ मुझे डेयर। तो कितनी पारस ये तेरा डेयर है, मतलब शर्म नहीं आ रही भेजने में, जरा सी भी शर्म नहीं आई। इस हरकत के लिए ना मैगी मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं। बट गाइस मुझे तो ये करना पड़ेगा कॉज ये डेयर है। बट आप लोग मैगी के साथ ये नीच हरकत घर पे कभी ट्राई मत करना। तो गाइस ये रही मेरी मैगी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी, तो मेरे को बनाना नहीं आती। और ये रही कोका कोला। मेरी मैगी जम गई गाइस। पाप करने वाली हूँ मैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखो मैं झाग बन गया, ऐसा लगा फिनाइल खा के मर जाओ, इससे अच्छा तो। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। मतलब इतनी गंदी लग रही, इतना गंदा टेस्ट है इसका, ना नमकीन ना मीठा ना तीखा, एक वो चिड़चिड़ाने वाला टेस्ट हो गया इसका। और इसके फिश की वजह से मुंह में जाने के बाद वो ना झाग जो बन रहा है बहुत गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। प्लीज ट्राई मत करना कभी भी। तो गाइज ये वाला जो डेयर है ये मुझे मिला है इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी की तरफ से। तो मुझे देखना है उन्होंने मुझे क्या डेयर दिया है। निशु, आपने अपनी मम्मी से प्रैंक करना है कि आपने मैंग से शादी कर ली, और ये प्रैंक जब सक्सेसफुल होगा ना तभी ये डेयर कंप्लीट माना जाएगा। ये वाला प्रैंक, और वो भी मेरी माता जी पे। मतलब आज मैं पिटने वाली हूँ, आज मुझे लात घूसे गालियाँ सब पड़ने वाली है। बट डेयर है, करते हैं, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा, आज तो मैं गई। तुम लोग करो क्या है, ये क्या है, तो शादी क्यों कर ले? पागल हो गई हूँ, कब तक मैं सारी चीजें करती रहूंगी, कब तक सारी चीजें संभालती रहूंगी? मेरे खुद की भी तो कोई जिंदगी है ना, इसलिए तुम शादी कर ले। तो मैं क्या करती, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार, मेरे को कुछ ही नहीं सूझ रहा। अबे तो कुछ बोल ना, डर रहा है। शादी करने के किसने हक दे दिया? मैंने तो बोला नहीं कि तुम लोग शादी करो। मैं नहीं मानती शादी होती के, चला था ये माला मम्मी यार क्या इतना समझा रही है तू भी निशु? ठीक है चलो, आज से मेरे को छोड़ के आओ घर पर। चलो जाओ यार। मम्मी सुन तो लो, जान है मम्मी। मम्मी क्या हुआ है? रोने वाली क्या बात है इसमें? है मैं नहीं रो रही। रो क्यों रहे हो? गाइस हम प्रैंक कर रहे थे, उसके हाथ में कैमरा है और क्लोजअप में दिखा। हमें डेयर मिला था सौरभ जोशी जी, आपने जो डेयर दिया था उस डेयर की वजह से मेरी मम्मी रो पड़ी। आपका डेयर हमें इतना महंगा पड़ा है। मम्मी चुप हो जाओ। तो गाइज मम्मी तो रो पड़ी है, बट फिर भी हमने अपना डेयर जो है वो कंप्लीट कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि मम्मी का ये हाल होगा। मम्मी कह रही थी मेरे को हार्ट अटैक आ गया। तो हमारा डेयर यहीं पे कंप्लीट होता है फाइनली। तो गाइज ये वाला जो डेयर है मुझे मिला है उनकी तरफ से जो आए दिन अपनी वीडियोज में उड़ाते हैं बहुत सारा पैसा, जो व्यूज से ज्यादा न्यूज में नजर आते हैं। और कोई नहीं, गौरव जोन। तो चलो देखते हैं कि गौरव जोन ने मुझे क्या डेयरिंग करने के लिए भेजा है। तो हाय निशु, तुम्हारा ये डेयर है कि तुम्हें जाना है पैसिफिक मॉल में। पैसिफिक मॉल में अरमानी एक्सचेंज का शोरूम है। तुम्हें देखते देखते कोई भी आर्टिकल लेके भाग जाना है, और जब तक भगना है जब तक तुम मॉल की मेन एंट्रेंस पार नहीं कर लेती। पार करने के बाद फिर तुम्हारा डेयर कंप्लीट होगा। देखते हैं तुम कर पाती हो कि नहीं कर पाती। ये डेयर है, चोरी नहीं कहते इसको, पर किया भी क्या जा सकता है। दिया जो गौरव जोन ने है, नो कमेंट्स, करना तो पड़ेगा ही। की ताजा खबर, अरमानी एक्सचेंज के शोरूम में चोरी करते हुए पकड़ी गई निशु तिवारी। टी शर्ट चोरी करने के जुर्म में जाना पड़ सकता है जेल, हो सकती है सजाए मौत, पैसे की चिंदी चोरी पड़ सकती है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ जेल और अगली वीडियो है कि अब जेल जाने के बाद। गौरव भैया यही हुआ होता मेरे साथ, सेम टू सेम। अगर मैंने इस टी शर्ट का ये बिल न लिया होता तो भाई क्या चाहते हो गौरव भैया, क्या चाहते हो? मेरा चैनल बंद हो जाए, मैं जेल चली जाऊँ? है अरमानी वाले भी मुझे जूता फेंक फेंक के मार रहे होते। हमारे ये छोटा सा डेर ना मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला था। गाइस चोरी नहीं किया मैंने, ठीक है। और गाइस इस डेर को पूरा करने के चक्कर में मेरे पूरे 7,000 रुपये लग गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पूरे 1.5 लाख लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से यूट्यूबर का डेयर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना।